सुबह सुबह उठकर आपके मन में क्या ख्याल आता है वो ये तय कर सकता है कि आप ज़िंदगी में कितने आगे बढ़ेंगे, कितनी तरक्की करेंगे और कितने उच्च पद पर आप आसीन होंगे, कितना राजाशाही जीवन आप जिएंगे। वो ख्याल क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, मैं एक ज्योतिषी हूँ, रेकी हीलर हूँ, एंजल हीलिंग में करती हूँ, प्रश्न कुंडली की जानकार मैं हूँ। तो आप मुझसे परामर्श लीजिए और अपने जीवन को सुखमय बनाइए। आज का वीडियो बहुत खास है। आज मैं बहुत मामूली सी बात बता रही हूँ लेकिन बहुत काम की है और आप इस पर ज़रूर ध्यान देना। ये एक ऐसी आदत है जो आपकी ज़िंदगी को संवार भी सकती है, राजाशाही सुख भी दे सकती है और परेशानियों में भी डाल सकती है और तरक्की को कई गुना पीछे भी धकेल सकती है। ये सिर्फ आप पर है। आइए जानते हैं वो बात कौन सी है। मित्रों, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका एटीट्यूड, जिनका थॉट अच्छा नहीं होता है और जिनका बहुत अच्छा होता है वो निश्चित रूप से जीवन में सफल होते हैं। तो ये एक ऐसी कमी है जो हर मनुष्य में हो सकती है, बहुतों में हो सकती है, सब पर लागू हो जरूरी नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों में ऐसी बात होती है। और हमारा उद्देश्य यही है कि अपने विकारों को दूर करके आप किस तरह से अपने आप को एक परफेक्ट मनुष्य बनाएं, सिर्फ यही हमारा उद्देश्य है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज ये वीडियो मैंने बनाया है। मित्रों, अगर आपके मन में ये ख्याल आता है बार 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 ये ख्याल आता है तो आप ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियों को भुगत सकते हैं और उस ख्याल को तुरंत दिमाग से निकाल दीजिए। पहली चीज़ क्या है, पहली और आखिरी चीज़ ये है, आज एक ही बिंदु पर चर्चा कर रही हूँ, अनेकों बिंदु होते हैं पर ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। किसी ने आपको कुछ कह दिया, किसी ने आपको कुछ टोक दिया, किसी ने आपसे कुछ कड़वी बात बोल दी, कोई भी बात बोल दी, वो बात अगर बार बार आपके मन में घूम रही है, वो बात आपने 10 लोगों को बता दी, तो आप मान के चलना कि ये आपकी तरक्की का बहुत बड़ा रोड़ा है। इसलिए अब इसको परिवर्तित कैसे करें और क्या आदत होनी चाहिए। किसी ने आपको कुछ बोल दिया, कड़वा बोल दिया, डांट दिया, बेइज्जती कर दी, कुछ भी कर दिया, ठीक है, एक आध लोगों को तो बोलना बनता है, घर के लोग हैं, उन्हें बता दिया, लेकिन अगर आप 10 लोगों को बताते हो तो इस आदत को तुरंत बंद कर दो। ये बहुत ही नेगेटिव आदत है जो आपकी तरक्की को बांध देती है। आप खुद बांध देते हो अपनी तरक्की को, कोई और नहीं बांधता, क्योंकि आपका दिमाग तो सिर्फ इसी बात में लगा हुआ है। तो तरक्की के लिए प्रयास कब करोगे? जो काम आपको स्वनिर्माण में लगाना था, जो काम आपको अपनी तरक्की के लिए लगाना था, वो काम तो आप बेवकूफ़ लोगों के लिए ज़ाया कर रहे हो। जिन्होंने आपको सताया वो इतने सक्षम है कि वो एक छोटा सा शब्द आपको बोल गए और आप कई दिनों तक कोड़ रहे हो उस बात को लेके, कई दिनों को कई लोगों को बताकर परेशान हो रहे हो, और जिसने बोला उस पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो तो अपने काम में लगा हुआ है। तो इस बात को आप समझ लो कि जब भी कोई आपको कोई कड़वी बात बोले, बेइज्जती करने वाली बात बोले, अपमानित करने वाली बात बोले, ऐसी बात बोले जो आपको हर्ट हो रही है और आप 10 लोगों को बताकर हल्के हो रहे हो, तो सबसे पहले अपना जो तरीका है ना, इसको चेंज कर दो। पहली चीज़ तो एक दो को बता के क्या, आप उसको डस्टबिन में डाल दो, इमीडिएट डस्टबिन में डाल दो, क्यों, और इसका जवाब आप आपको खुद मिल जाएगा। आप ये सोचो कि क्या व्यक्ति इतना सक्षम है कि उसकी ज़ुबान से निकाले हुए 2 शब्द आपको हिला के रख रहे हैं। अरे वो व्यक्ति कहाँ इतना सक्षम है, किक आउट करो उसको, किक आउट करो। वो व्यक्ति 2 कौड़ी का इंसान है, वो व्यक्ति कोई औकात ही नहीं रखता आपके सामने। तो अपनी इस आदत को तुरंत बदल दो, तुरंत बदल दो, और इसकी बजाय इस काम में लगाओ कि आपकी योग्यता क्या है, कैसे उसको आगे बढ़ाना है, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे नंबर अच्छे लाने हैं, कैसे आगे ऐसे ऐसे काम आपको उद्यम करने हैं जिससे कि आप एक सफल मनुष्य के रूप में समाज में अपने आप को स्थापित कर सको। 10 लोगों के साथ अगर आप अपनी अपनी बातें शेयर करी, किसी ने आपको हर्ट किया तो वो सोचेंगे ये व्यक्ति तो बहुत कमज़ोर है अंदर से, इसको तो छोटी छोटी बातों से शिकायत है, इसको तो छोटी छोटी बातें पिंच कर जाती है। जिसने कहा वो तो आपका हो सगा है नहीं, जिन 10ों को बता रहे हो क्या वो 10 आपके सगे हैं? आप 1-2 लोगों से अपने बातें शेयर कर सकते हो जो आपके बिल्कुल घनिष्ठ और घरेलू लोग हैं। बाहर के लोगों से आप बात शेयर कर रहे हो तो उस व्यक्ति की जो गलत डोज जो उसने आपको दी है ना, गंदगी की, बेइज्जती की, उसको खुद ही आप कई गुना बढ़ा रहे हो। इसका रास्ता सिर्फ यही है, इस बात का मुँह तोड़ जवाब यही है कि उस व्यक्ति को रत्ती भर की वैल्यू मत दो और उसके जो गंदे शब्द है ना, 3 बार कट कट करके ब्रह्मांड में उछाल दो और फिर उनके बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। चाहो तो एक कागज़ पर लिख कर उसको आप गटर में फाड़ कर या वैसे फ्लश कर देते कर सकते हो, उसका नाम वगैरह लिख दो और जो बात उसने आपको बोली है, और उसके बाद आप ये भी लिख दो कि उस बात का चिंतन आपको कभी नहीं करना है। तो ये आप इस बात को ज़रूर अपनाओ, ये एक ऐसी आदत है जो आपकी ज़िंदगी में आपको राजाओं के समान सुख दे सकती है, राजा महाराजा महारानियों के समान सुख दे सकती है, क्योंकि आपका जो माइंड है वो सब कुछ करने में सक्षम है लेकिन वो डिस्टर्ब हो जाता है छोटी छोटी बातों के द्वारा। तो इन छोटी छोटी बातों को इतनी वैल्यू मत दो। और ऐसे लोग जो आपकी बेइज्जती करते हैं वो सिर्फ 2 कौड़ी के हैं, वो सिर्फ उनका मोटो सिर्फ यही है कि आप इन बातों में उलझ जाओ मकड़ी के जाले की तरह और इससे बाहर ना निकल पाओ, कहीं आप तरक्की ना पा लो। तो क्यों नहीं मुँह तोड़ जवाब देते और क्यों इस एक बात को पकड़ के बैठे रहते हो? ये समझो कि ऐसा किसी ने बोला ही नहीं, और जिसने बोला है ना वो खुद भी वैसा ही है जिसने आपको बोला है, आप वैसे नहीं हो क्योंकि आप तो जानते हो ना आप खुद कैसे हो। जिसने बोला है वो खुद घटिया और बेकार है।
जिस दिन आप ये बात समझ लोगे ना, उस दिन आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता मित्रों।